राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। गर्मियों में अक्सर एक कॉमन सी प्रॉब्लम हम सभी को आती है कि आज खाने में क्या बनाएं, क्योंकि सब्जियों के ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं और बच्चे तो चिढ़े ही रहते हैं क्योंकि लौकी, तोरी, टिंडे, भिंडे बस यही अवेलेबल होता है। हालांकि मेरे यहाँ मिलती सारी सब्जियाँ हैं लेकिन खाने की इच्छा नहीं होती। जैसे कि गोभी भी मिलता है तो मन नहीं करता खाने का, अंदर से नहीं आता कि गोभी बना ले, उसे देख के कुछ होता है। तो मैं कुछ ग्वार की फलियां लेकर आई थी जिन्हें मैंने धोकर साफ करके कट कर लिया है और एक कढ़ाई में डाल दिया है ना स्टीम होने के लिए। आप इन्हें कुकर में भी एक सीटी लगाकर उबाल सकते हैं, समय ज़्यादा नहीं लगेगा, जल्दी उबल जाएंगी और बढ़िया परिणाम मिलेंगे रेसिपी में। हाई फ्लेम पर एक सीटी देनी है। तब तक मैंने ये कुछ पालक है इसे धोकर साफ करके कट कर लिया है। तो पालक जब भी आप कट करते हैं पहले पालक को धोएं उसके बाद कट करें। धो मतलब कुछ लोग करते हैं कि पहले काट लिया फिर वॉश करते हैं, ऐसे नहीं करना है। सारा जो पौष्टिक तत्व होते हैं वो तो चले ही जाते हैं। तो मैंने पालक कट किया, टमाटर काट रही हूँ मैं और थोड़ा सा मैंने हरी मिर्ची काटा है। इस रेसिपी में जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दो रेसिपी है, लंच रेसिपीज। आप इन्हें कभी भी बनाएंगे आपको बहुत पसंद आएगी। हर कोई दाल चावल रोटी सब्जी बनाता है लेकिन सबका अपना एक तरीका होता है बनाने का। कई बार हमें कुछ लोगों की सब्जी बहुत पसंद आती है और हम उनसे पूछते हैं कि आपने इसे कैसे बनाया। तो आज मैं जो आपके साथ ग्वार की फली की रेसिपी शेयर करूंगी, ये मैंने गुजरात में सीखा था, मुझे बहुत पसंद आई थी। ये है दाल, मूंग की दाल और मसूर की दाल। दोनों को धोकर मैंने 1 घंटे पहले पानी में भिगो के रख दिया था ताकि दाल अच्छे से फूल जाए और इसे पकने में ज़्यादा समय ना लगे। कुकर में डाला मैंने सरसों का तेल, इसे बहुत अच्छे से गर्म करके हम इसमें डालेंगे हींग, बढ़िया फ्लेवर वाला जीरा, सूखी लाल मिर्ची को तोड़कर डालेंगे, थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे और बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। अदरक को भूनने के बाद टमाटर डालेंगे, हरी मिर्ची डाल देंगे और इन्हें 2 से 3 मिनट मध्यम आंच पर भून लेंगे। अब इसमें रूटीन के मसाले हैं, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया का पाउडर। इसमें ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। ये दाल जितनी सिंपल होती है उतनी स्वादिष्ट बनती है। आप एक बार इस तरीके से दाल बनाना, आप सारी दाल का स्वाद भूल जाओगे, इतनी गजब की बनती है। अब इसमें पालक डाल देंगे, अच्छी खासी क्वांटिटी में पालक डालिएगा। मेरे पास पालक कम था तो मैंने कम डाला, लेकिन आप इसमें बढ़िया तरीके से अच्छी मात्रा में पालक जब डालेंगे तो स्वाद बहुत उभर के आएगा। तो पालक और टमाटर को अच्छे से मैश कर लेंगे। पालक तो अपने आप हो जाएगी, टमाटर को थोड़ा सा कुक कर लीजिए, फिर ये पानी में भीगी हुई दाल इसमें डालिए और ज़रूरत के हिसाब से पानी डालकर हाई फ्लेम पर एक सीटी लगा दें। तब तक मेरी ये जो ग्वार की फलियाँ हैं ये भी अच्छे से स्टीम हो गई थी, लेकिन जल्दी स्टीम करने के लिए आप इन्हें कुकर में उबाल लें बिना पानी डाले। जैसे कि आप कोई स्टीमर ले लें और उसमें सारी ग्वार की फलियां डालें और कुकर में थोड़ा सा पानी डालकर वो स्टीमर उसमें रख दें या कोई प्लेट रख दें और तब सीटी लगाएं। डायरेक्टली पानी में डाल के जब हम ग्वार की फलियां उबालते हैं फिर सब्जी में मज़ा नहीं आता, ये फ़र्क मैंने महसूस किया है। तो आप इन्हें स्टीम करें या फिर हाई फ्लेम पर बिना पानी के एक सीटी लगा लें, लाइक स्टीम करके। अब ये ग्वार की फलियां अच्छे से उबल गई थी, अब इनमें मैंने डाले हैं रूटीन की मसाले। इसमें भी हम ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया का पाउडर और थोड़ा सा चीनी डालेंगे और नमक स्वाद के हिसाब से डालेंगे। एकदम ताजी दही डालेंगे, दही में कोई खट्टापन नहीं चाहिए, ताजी दही डाल देंगे इसमें और टमाटर का पेस्ट डालेंगे। तो एक टमाटर था, हरी मिर्ची थी और अदरक था, उसका पेस्ट डाला मैंने और हाई फ्लेम पर एक सीटी लगाने के बाद मैंने गैस जो कुकर है इसका प्रेशर नहीं निकाला था। उसके बाद जब प्रेशर अपने आप निकला मैंने ढक्कन खोला और हमारी दाल बनकर तैयार है। ये दाल इसी रंग की बनती है, इसका रंग ऐसे ही होता है और बड़ी स्वादिष्ट लगती है ये। अंत में इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला और शुद्ध घी डालकर ढक्कन लगाकर 5-1 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक मैं अपनी ग्वार की फली बना लेती हूँ। आप किस प्रकार से बनाते हैं कॉमेंट करके बताना। यूपी में तो उबाल कर आलू के साथ बनती है, बड़ी स्वादिष्ट बनती है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत गजब की बनती है। आप तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, इसमें डालेंगे हींग और इसमें अजवाइन जाएगा, अजवाइन का छौंक जाएगा और ये जो हमारा मिश्रण था जिसमें हमने टमाटर दही वगैरह डाले थे ग्वार की फलियों में, ऑलरेडी उबली हुई हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा पकने में, ये इसमें मिला देंगे और अच्छे से पकाएंगे मध्यम आँच पर ताकि ये जो दही है हमारी फटे ना। अब ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे कि आपको सब्जी कैसी बनानी है। थोड़ी सी ग्रेवी वाली सब्जी होती है, बड़ी बढ़िया लगती है, गर्मियों में ऐसी सब्जियां अच्छी लगती हैं। अपने से ही मन आता है कि ग्वार की फली खा लें या लोबिया खा लें, ऐसा अंदर से ही आता है। लोबिया की कच्ची फली भी बड़ी स्वादिष्ट लगती है। इन दिनों में ना यूपी में हमारे यहाँ लोबिया आता है
और जब हम खेत से लोबिया तोड़ कर लाते हैं उसकी फली निकाल कर उसकी सब्जी बनाते हैं, बड़ी बढ़िया लगती है। और ग्वार की फली भी हमारे खेतों में ही लगी होती है, गुच्छे होते हैं इनके, बंचेस में ये लगती हैं, बहुत बढ़िया। तो बस यहाँ पर ये सब्जी हमारी 5 से 7 मिनट में बनकर तैयार है। इसमें मैंने धनिया डाला और कोई ऐसा मसाले इसमें नहीं चाहेंगे, हल्की सी चीनी जरूर डालिएगा, बहुत बढ़िया फ्लेवर आएगा। बट हाँ, अगर आपको पसंद नहीं है तो ना डालें, अवॉइड किया जा सकता है। अब मैंने यहाँ पर कुछ सैलेड भी कट कर लिया है, हस्बैंड आ चुके हैं, कुकर का ढक्कन खोला मैंने। ये जो चावल है ये हाई फ्लेम पर 1 सीटी में उबाल लिए हैं मैंने, तो मैंने चावल का कोई मेजरमेंट नहीं लिया था, सिर्फ राइस लिए, कुकर में डाला, धोया और पानी भी अंदाजे से डाला और हाई फ्लेम पर 1 सीटी लगा दी। प्रेशर नहीं निकाला था और बिना प्रेशर निकाले जब ये प्रेशर अपने आप रिलीज़ हुआ तब मैंने कुकर का ढक्कन खोला और ये देखिए कितने बढ़िया खिले खिले हमारे चावल बनकर तैयार हैं। तो यहाँ पर मेरे लंच की थाली तैयार हो गई है, जिसमें बहुत टेस्टी, बहुत ही बढ़िया, एकदम सिंपल दाल जिसका स्वाद आप भुलाए नहीं भूलेंगे, इतनी बढ़िया बनती है, आप इसे बनाना। तो आज थोड़े से स्टाइल में प्लेटिंग चल रही है यहाँ पर, जिसमें दाल को मैंने डाला है बाल्टी में, तो बेसिकली बाल्टी भर के दाल मैंने निकाल दी है, छोटी सी ही बाल्टी है। मुझे ना ऐसे ऐसे बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं, बाल्टी, छोटी सी हंडी, ऐसे अच्छे लगते हैं। और ऊपर से दाल में थोड़ा घी डाल देंगे और यहाँ पर ये हमारी बहुत ही बढ़िया सब्जी बनकर तैयार है। बाजरे की रोटी इसके साथ बहुत स्वादिष्ट लगती है, लेकिन दाल चावल के साथ भी मज़ेदार कॉम्बिनेशन है, आप ट्राई करिएगा। तो यहाँ पर हमारी ग्वार की फलियाँ भी तैयार हैं, साथ में सैलेड रख दिया है मैंने, और ये है आम की वो मीठे वाली चटनी या आम का जैम, आम का छुंदा, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ये बहुत स्वादिष्ट होता है। मेरा व्रत है। और यहाँ पर आम का सीजन है तो मीठे के लिए मैंने आम भी रख दिया है, और साथ में मैं अब पापड़ सेक रही हूँ। और बाय द वे मेरा मंडे का व्रत था जिस दिन मैंने थाली बनाई थी, इसलिए हमारे यहाँ किसी भी सब्जी में आज लहसुन प्याज नहीं डला है। तो बस यहाँ पर पापड़ भी सेक दिया है मैंने और ये लंच की थाली बनकर हो गई है तैयार। आपको कैसी लगी थाली कॉमेंट करके बताना, और आपको कौन सी रेसिपी इसमें ज़्यादा अच्छी लगी, ग्वार की फली या फिर दाल? इसमें ना आप ये दाल बनाना एक बार, और इसमें ना पालक थोड़ा ज़्यादा ऐड करेंगे तो बहुत स्वादिष्ट बनती है ये। तो यहाँ पर हमारी पूरी थाली बनकर तैयार है, हस्बैंड आ चुके हैं। जब मैं इतना सारा खाना सर्व करती हूँ तो हस्बैंड कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं क्या क्या खाऊं। तो बस यहाँ पर मैं वैभव से पूछ रही हूँ कि भाई बताओ खाने में क्या क्या है। वैभव बताए जा रहा है कुछ खाना तैयार है। वैभव बैठो, आम को छोड़ो, पहले बताओ, रखो आम वापस रखो, मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ तुमसे। ओके, भूख लगी है? अच्छा बताओ ये थाली में क्या क्या है। चावल, पापड़, वाओ, खीरा, हाँ, आम का जैम, आम का जैम, राइट। ये क्या है सब्जी? इसको मत पीटो, ये कौन सी सब्जी है? मटर की। ओके, और ये क्या है इसमें? दाल। अच्छा, देना बोलो, चम्मच देना बेटा ऊपर से। तो फाइनली वैभव ने बता दिया है दिस इज चावल। कितनी बड़ी सक्सेस आज मिली है हमें, चावल, खीरा, पापड़, आम का जैम। गाइस, ये है आम का छुंदा जो कि गुजराती स्पेशल होता है, बहुत टेस्टी बनता है ये, खाने से पहले मीठा खाया जा रहा है। एंड दिस इज दाल, पालक वाली दाल, गर्मियों में बहुत बढ़िया लगती है, बहुत हल्की रहती है ये, आप इसे बनाना खाना, बड़ी मजेदार आपको लगेगी। ठीक है जी,